अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल AHA असिस्टेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे गेस्ट पेपर ऑफ कंप्यूटर साइंस क्लास 9 का यूनिट 1 और यूनिट 2 में से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो के पार्ट ए में डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर देती हूँ, आप वहां से देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 3 to 5, सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले आपका कंप्यूटर नेटवर्क्स वाला टॉपिक है इंक्लूडेड और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक ही आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोशिश करें अगर ये टॉपिक आए तो इसके साथ आप फिगर भी बनाएं, इसकी डेफिनेशन, इसको इस तरीके से ऑर्गेनाइज करें कि पहले इसकी डेफिनेशन लिखें, फिर इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क और फिर इसकी एक्सप्लेनेशन, ठीक है। उसके बाद ये नीड ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क आपका इंक्लूडेड नहीं है। इसके बाद बेसिक्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन आ जाते हैं, ये इंक्लूडेड है साथ में, ये उसी का सब टॉपिक है, ये भी आपका इंक्लूडेड है टिल हेयर। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका आ जाता है दैट इज The basics of data communication, page 60. उस पर हम चलते हैं, ये topologies exclude कर दी गई हैं। ये basics of data communication भी इसी तरीके से, ये भी बहुत important topic है, लेकिन second most important topic इसको consider करेंगे इस chapter का। data communication में पहले आप इसकी definition लिखेंगे और फिर इसके components को one by one explain करेंगे। कोशिश करें इसका figure लाजमी बना दें, जिस तरह इधर एक साइड पे sender हो, उस दूसरी साइड पे इसका receiver और फिर इसका बीच में चैनल, कम्युनिकेशन चैनल आ जाएगा, ठीक है। और मैसेज, ऑब्वियसली मैसेज जो डिलीवर हो रहा है वो आपका मैसेज इधर आ जाएगा। ये इस तरीके से फिगर बनाने से इसकी क्वेश्चन की वेटेज इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो टॉपिक इंक्लूडेड है दैट इज प्रोटोकॉल्स, ठीक है, ये स्किप्ड है, ये टॉपिक इंक्लूडेड है और लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए इसको मार्क नहीं किया। प्रोटोकॉल्स एंड TCP और IP सूट, ये ज्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, इसको एक नजर देख लीजिएगा, HTTP और दूसरा जो है TCP को। अंडरस्टैंडिंग IP एड्रेस, ये जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग के हवाले से ये है, ये जस्ट आप इसको रीड आउट कर लें, ये इस तरीके से क्वेश्चन में नहीं आता। उसके बाद लास्ट टॉपिक जो इस चैप्टर का इंक्लूडेड है दैट इज राउटिंग। राउटिंग को आपने अच्छे से करना है क्योंकि सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आ जाएगी कि व्हाट इज अ राउटर और फिर राउटिंग इन द इंटरनेट क्या होती है, किस तरीके से आईपी एड्रेस यूज किया जाता है फॉर राउटिंग और किस तरह से इसका प्रोसेस प्रोसीड होता है। यही टॉपिक्स इंक्लूडेड है इस चैप्टर में से। इसके बाद समरी को बहुत अच्छे से रीड करना है क्योंकि MCQs उसमें से भी आते हैं और इसके अलावा जो आपके चैप्टर के एंड पे MCQs दिए हुए हैं दैट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चंस की अगर हम बात करें कि कौन कौन से क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं तो इट इज इंक्लूडेड 1, 2, 3 और 4 to 7, दैट इज 1 to 7 आपके इंक्लूडेड क्वेश्चंस है। अब इनमें से अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करें तो कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन बहुत रिपीटेडली आया है पास्ट पेपर्स में, इसको बहुत अच्छे से आपने स्टडी करना है और साथ में ये पॉइंट टू पॉइंट और मल्टी पॉइंट कनेक्शन में डिफरेंस, ये दो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि पास्ट पेपर्स में रिपीटेडली आए हैं। ये जो मैं गेस्ट पेपर्स आपको प्रोवाइड कर रही हूँ इट इज बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस एंड अ लॉट ऑफ रिसर्च, इसलिए बहुत ध्यान से इन्हें देखें। और अगर कोई ऐसा है जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले तो जल्दी से लाइक करें ना वो वीडियो को और फिर सब्सक्राइब भी कर दें। सो नेक्स्ट आपका चैप्टर 4 दैट इज डेटा एंड प्राइवेसी, इसमें से जो टॉपिक्स इंक्लूडेड है वो मैं आपको मार्क करवा देती हूँ। इंट्रोडक्शन ऑब्वियसली इंक्लूडेड है। उसके बाद एथिकल इश्यूज, ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये लॉन्ग क्वेश्चंस में अक्सर आता है और इसमें आप अपने पास से भी लिख सकते हैं। आपको पता है कि 21st century इंटरनेट का दौर है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारी एग्जाम्पल्स आती हैं जिस डेटा सिक्योरिटी के हवाले से, तो आप अपनी एग्जाम्पल्स इसमें लिखने की कोशिश करिएगा, लाइक हैकिंग से किस तरीके से सिक्योरिटी है और एथिकल इश्यूज क्या रिलेटेड हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी के, फ्रॉड के, कॉपीराइट के, ठीक है, तो वो आपने सारे इधर मेंशन करने, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक इंक्लूडेड है दैट इज ये इंक्लूडेड नहीं है, सेफ गार्डिंग, ये इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा प्राइवेसी भी नहीं इंक्लूडेड, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी इसको ना एक बार पढ़ लें क्योंकि जब आपका एथिकल इश्यूज रिलेटेड टू सिक्योरिटी आएगा ना तो वहां पर आप शुरू में 1 से 2 लाइंस में उसे लाजमी लिख दीजिएगा कि व्हाई सिक्योरिटी इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, और फिर उसके बाद एथिकल इश्यूज को आप डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये सिंपल इंक्रिप्शन टॉपिक है और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। वैसे डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं एक टू बी वेरी ऑनेस्ट और बीइंग अ टीचर अगर मैं बात करूँ ना तो कंप्यूटर का आपका सिलेबस बहुत छोटा सा होता है, 50 मार्क्स का तो बेचारा पेपर है, छोटा सा पेपर है, तो इसमें अगर हम बहुत ज़्यादा सिलेक्टेड हो जाते हैं ना, बहुत ज़्यादा हम सिलेक्टिव स्टडी करते हैं तो फिर मार्क्स कम आने के चांस होते हैं।
मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगी कि कंप्यूटर के पेपर में ना आप कोशिश करें सारे टॉपिक्स को लाजमी गो थ्रू करें, क्योंकि मेजॉरिटी टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि आपकी डेली लाइफ से लिंक्ड हैं, और अब टेक्नोलॉजी का जमाना है, ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट को बहुत सारे टॉपिक्स की इंफॉर्मेशन होती है ना, तो इस वजह से आप इनको स्किप नहीं करेंगे बिल्कुल। बहरहाल फिर भी कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि मैं आप लोगों के लिए गेस्ट पेपर्स अपलोड करूँ, सो आई एम अपलोडिंग इट, बट आई सजेस्ट टू गो थ्रू द होल सिलेबस, ठीक है। और अच्छा, इनक्रिप्शन विद कीज है, ठीक है, और उसके बाद विद कीज एंड पासवर्ड, और एक और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना इस चैप्टर का, जिस तरह से मैंने एथिकल इश्यूज वाला, ये नहीं ये वाला नहीं है, अच्छा जो एथिकल इश्यूज वाला मैंने आपको बताया ना कि एथिकल ये इंक्लूडेड है, ठीक है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको मैं इस तरह से हाईलाइट नहीं करवा रही, लेकिन हाँ ये जो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड पासवर्ड है ना, ये आपको पता होने चाहिए। आपको पता है अगर हम कोई ईमेल आईडी बनाते हैं या कहीं भी हम लॉगिन करते हैं तो वहाँ पर भी लिखा हुआ आ रहा होता है ना कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड और मेक योर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, और किस तरह से स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनता है कि एटलीस्ट 8 करेक्टर्स हो, उसमें लोअर केस भी हो, अपर केस भी हो, न्यूमेरिकल भी हो, ठीक है, इस तरह से, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकेंड टॉपिक है, एक तो मैंने आपको बता दिया एथिकल इश्यूज इन सिक्योरिटी, दूसरा साइबर क्राइम, ठीक है, साइबर क्राइम वाला, क्योंकि पता है ये वाले ना ये कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि डेली लाइफ से बहुत ज्यादा लिंक्ड है, तो जो पेपर सेटर्स होते हैं ना उनकी कोशिश होती है ऐसे क्वेश्चंस दें जो कि बच्चों के लिए आगे काम भी आए, उनको इन्फॉर्मेशन अच्छे से हो, ठीक है, तो वो वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए। अब मूव करते हैं इसके बाद एक्सरसाइज की तरफ, समरी को आपने किसी सूरत स्किप नहीं करना, और ऑब्वियसली एमसीक्यूज तो सारे ही प्रिपेयर करेंगे, कोई गेस नहीं दूंगी एमसीक्यूज में, क्योंकि एमसीक्यूज में कौन सा गेस भाई। उसके बाद क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्वेश्चंस आपके कौन कौन से, सारे इंक्लूडेड हैं, नहीं 4.3 में से आपका 1, 2, 4, 5 बेचारे थर्ड का क्या कसूर था, खैर एनीवेज आपका जो इसमें से कोई एज सच मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ ये साइफर टेक्स्ट को एक बार देख लीजिएगा, बाकी जो मैंने इंटरनली क्वेश्चंस बताया ना एथिकल इश्यूज वाला और साइबर क्राइम वाला, वो आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। और अगर अभी भी कोई ऐसा बच्चा देख रहा है ना मेरी वीडियो जिसने अभी तक लाइक नहीं किया, तो पहले तो वो जल्दी से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर आगे चैप्टर 5 को बताऊंगी। सो नाउ यूनिट 5 डिजाइनिंग वेबसाइट। अच्छा ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इट्स ऑल अबाउट जस्ट प्रैक्टिकल थिंग्स, ठीक है, इसमें कुछ सच पूछे ना तो इसमें मुझे नहीं लगता कि इस चैप्टर में कुछ लिखने काबिल भी है, लेकिन एनीवेज इंट्रोडक्शन टू एचटीएमएल की डेफिनेशंस को आपने बहुत अच्छे से करना है। ये चैप्टर ऐसा है, कोडिंग का चैप्टर है, आपको जस्ट प्रैक्टिकल टर्म्स होती हैं इसमें, लेकिन इंशाल्लाह आई होप कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, आप लोग बस अच्छे से प्रिपरेशन करें। अच्छा ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, ठीक है, ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग अगेन वही बात कहूंगी कि ये एचटीएमएल वाला चैप्टर तो ऐसा है कि इसको बस आपने एक बार गो थ्रू कर लेना है, इसमें मैं कुछ ऐसा नहीं कह रही कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है या बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसको बस अच्छे से आपने लिंक कर लेना। और उसके बाद एक और है डिफाइन अ हाइपर लिंक टू अ वेब पेज, ये वाला जो है ना ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके लिए हेल्पफुल भी होगा, इसको ऐसे आप पढ़ें इस टॉपिक को कि जैसे आप अपनी कोई वेबसाइट के लिए ना लिंक डेवलप कर रहे हैं। इसके क्वेश्चंस जो आपके इंक्लूडेड हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, एमसीक्यूज वगैरह तो सारे ही आपने करने हैं, क्वेश्चंस 1, 3 और 2, ठीक है, ये इंक्लूडेड है, और इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। होप सो आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी, स्टे ट्यून्ड टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you for watching. Allah Hafiz.